वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम राम सारा में कैसे आप सब मेरे कमरे में पड़े हुए हुए हैं। जब टाइम लग रहा है शायद थोड़े ग्यारह के आसपास का टाइम हो रहा है और बाकी के और तो काम हो गया था, खुशी का भी हो गया, बस होटल हमारा जा रहा और सारा ना लिए बेटा ही वे अरे कमरे के अखबार बंद कर दे और मन्नत होने मेरी कल पहनने वाले कपड़े तो कल मन सारे धो दिए थे और ये सारे पर्दे वर्दे चद्दर के दरी है सोफा के कवर है सब कुछ सारे उतार दिए हैं। वो बाल्टी खाली हुई थी पेंट की और ये खाली हुई है तो मेरी मान कर दी साफ। उसमें एक छोटी भी है और एक बड़ी है और एक छोटी है रखी दो तीन बाल्टी हैं डब्बे हैं। ये मेरी माँ शाम में साफ कर रही है खाई तो है कहाँ ये एरिया मेरा रह गया है काम करना चल रही है दूध दाद और बस मेरा काम रह रहा है क्योंकि मैं बर्तन साफ करना ये करे हैं ये दो चार रह रही ये करूँगी और रसोई का झाड़ू तो झाड़ू दे दिया बुटू मैंने फेरे चल छोटी दे दिया दूसरी खजूर झाड़ू चाहे वह दे दिए और मैंने रोटी बनाई है भाई सारे ने खाई है बर्तन साफ कर दिए थोड़े से रह रहे मैंने खा ली ये खुशी ना देगी तो मैं रसोई का करूँगी फिर ये कपड़े धोऊंगी छोड़ दे कुआड़ बंद कर दे इस कमरे के पानी ठंडा हो जाएगा एक हांडी में पानी हांडी ले दो फल ले आऊँगी और फिर यार सुबह सुबह एक ठंड हो गया हांडी फूट गई दो हांडी दरिया करती ऊपर जो कवर पड़ा ना जो कवर डाल रखा था उसमें ऊपर ही ठंड आ गई ओह जी क्या आड़ दर्द है बाल्टी धो रहे तवे नाचे ना तो बस वही ये काम चल रहा है कि मैं फटाफट बर्तन साफ कर दूँ खुशी लेगी ना और मेरे कपड़े भी धोने लग रहे हैं साथ साथ है। तो भाई बस मैं एक बार बर्तन रसोई का कर दूँ फिर कपड़ा धो लूँ जल्दी जल्दी धो जाएंगे क्योंकि पर्दे बेडशीट वगैरह पहनने के तो मैंने बस के वैसे पापा ने सिदादी ने इन्ने काटे थे ना सुबह भी एक एक जोड़ी है आराम काटने के बाकी के तो मैंने कल धो दिए थे प्रेस खुशी ना कर दी थी तो बस वही फटाफट मैं कर लूँ बर्तन साफ। देखो भाई टाइम फिलहाल हो गया 3:05 हो चुके हैं और ये मैंने सारे तक किया कि कवर चद्दर वगैरह ये धो दादी हैं ये भी ना डालूंगी क्योंकि डल ना रहे और भाई मैं भी अब नहाऊंगी क्योंकि मेरा काम एक निपटा है। 3:10 हो गए हैं 4:20 पर उठी थी और 3:10 हो गए हैं देख लो 12 घंटे होने वाले 11 घंटे हो चुके हैं और मेरा काम अभी कहाँ खत्म है अब तो कपड़ा तो निपटे हैं चाय बनाऊँगी नहाऊँगी अपने ये वाला सूट दूंगी अरे इन तक क्या एक और गलत क्योंकि सारे पर्दे बेडशीट तो क्या और बहुत सारा कुछ कंबल देख दरी बुड्ढे वाली ये चीज़ धो दी है मैंने बीच में भाई 1.5 घंटा लग गया बोर्ड डालन गई जो बहुत ज़्यादा भीड़ पाई तो वहाँ पर लग गया 1.5 घंटा तो बस ये मनाऊँगी फिर चाय बनाऊँगी देखा फिर कुछ करती हूँ पहला देख पता क्या मैं कवर डाल दे और जी बीमारी लग रही है सोन जिमी बहुत इंजॉय कर रहा है देखिए ऊपर सोन लग रही है तो बता कि हम कवर डाल दें भाई टाइम हो गया फिलहाल 3:35 हो गए और मैं नाम ले आई हूँ शेल भी धो लिया हूँ और ना भी नहीं हूँ और इधर चढ़ा दी हूँ चाय क्योंकि मेरी चाय मैं ले रही हूँ पीनी मेरी माँ को मेरे घर वाले थे खुशी ने तो एक मैं सोचू का चलो चाय लगा देती हूँ या दरी नचड़नी जा रही है क्योंकि आप तो दरी नचड़नी भाई इतनी मोटी है तो मैंने पानी में काट दूंगा इसलिए इसकी थोड़ा देर टपक लेगी फिर बाद में ग्रिल पर गिर दूँगी जो कंबल कंबल में नहीं धोया था पानी में कट के इसमें बाल्टी डर दिया टपक लिया ये मैंने उतार के रखा है ये सूख है रात में या फिर थोड़ी देर में इस दरी में भी जोड़ दूँगी अरे ये देख पानी ले आई थी टाइम फिलहाल हो रहा है 7:30
लेट हो गई थी, मेरे को बाहर चली गई थी। और आज बनी है भाई चने की दाल, दूध ओस दिया है, पर एक सा मन ना रह रहा है, मन चूंगी एक दाल छोंक कर। पाई के तो वे खाई थी मंदे की सुबह मेरे में दे उड़ा लगा तुमने भी लकड़ियों पत्थर देंगे लग गई पूरा खून में। हमारे घर में पेंट भी करवाया है ना, पर कीड़े नहीं बंद होती और ये आड़े नहीं बंद होती, नीचे लगाने उस शेर में भर जाएगी। और देख फिर आड़े लतरा का अंदाज भूखा मरता होगा, उड़ा कौन देगा, लगा दी। टाइम फिलहाल हो रहा है 9:30 का टाइम हो रहा है, मेरा काम कम हो रहा था सारा। और ये मतलब आज खाने बनाई थी दाल, चने की दाल, बहुत टेस्ट लगी, कई दिनों बनी थी, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई वही। और क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हुई थी बस फटाफट नहीं हो जा खाना बनाकर अपना बस चले जाओ, तो बस वही खाना खुना खा लिया था हम सब ने, मैं मुझ बांध आई थी सब अपने, ये खुशी लौट गई थी बार जा रही है। और भाई आज का व्लॉग किसा लग गया कमेंट करके जरूर बताइए। और आप तो भाई मैंने भी अपना वोट किया, देखो उम्मीद करती हूँ कि भी आप सब ने भी वोटिंग करी होगी और सबके यहाँ पर मतदान बहुत ही राजी खुशी से निमट गया होगा, लड़ाई झगड़े ना हो, उनके लिए कभी जगह भी लड़ाई झगड़े होने ही होने हैं, तो भी ये राजनीति पंगों में उलझ कर भाईचारा खत्म ना करे। पार्टी नेता तो कोई किसी का आपस में मिल भी जाए आराम से शांतिपूर्वक मतदान करे, जिसको जिसको अपनी मर्जी से देना है, तो बस वही। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में नई वीडियो में।